किरण MNS न्यूज के शिक्षा इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम शिक्षा में हम आपको ले जा रहे हैं रामकृष्ण शारदा मिशन स्कूल ऑफ होम साइंस। शिक्षा से हम यह तीनों जरूरतें बुनियादी पूरा कर सकते हैं, लेकिन आज भी कई माता पिताएं अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए कई विकल्पों में उलझ जाती है, जिसके चलते माता पिता बच्चों के भविष्य को बनाने की वजह अपने बच्चे का भविष्य बिगाड़ बैठे हैं। कई विकल्पों के माध्यम से हम आपके इस प्रयास को सफल बनाने के लिए प्रयासरत है, जिससे आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। यही मकसदों को लेकर हमारा यह प्रोग्राम शिक्षा का है, जिससे आप शिक्षा के कई विकल्पों को पर्यायों को बखूबी जान सकते हैं, जिसके चलते आपका और आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। आइए चलते हैं मेरे साथ शिक्षा की ओर। आज हम आए कामठी के कॉन्टोमेंटन एरिया में और यहाँ ये जो स्कूल है रामकृष्ण श्रद्धा मिशन स्कूल ऑफ होम साइंस, ये स्कूल द्वारा जो हमारे भारत का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस नारे को किस तरह से ये स्कूल द्वारा बुलंद किया जा रहा है, आइए हम जानते हैं रामकृष्ण श्रद्धा मिशन की जो सेक्रेटरी है उन्हीं से कि किस तरह का यह कार्य करती है यहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम प्रोराजिका अमोघा प्रणाम माता जी। मैं यहाँ 2011 से हूँ। रामकृष्ण शारदा मिशन को जो हमारा हेडक्वार्टर्स कलकत्ता में है, यहाँ के जो रामकृष्ण संस्कृति पीठ जो BN सेन द फाउंडर है, उसके बाद BT अडवाणी चला रहे थे, उन्होंने समझ लिया कि यह मिशन के कोई सेंटर नहीं है, इसीलिए हमें ये लड़कियों का स्कूल है रामकृष्ण मठ नहीं लेगा, क्योंकि लड़के वे तो लड़कों का इंस्टीट्यूशन है, तो हमें बुलाया और इस स्कूल को 2011 साल में हैंड ओवर कर दिया। तब से मैं यहीं हूँ और इस सेक्रेटरी पद को मैं निभा रही हूँ। आपके स्कूल द्वारा कौन सी जो है मतलब फैसिलिटी दी जाती है लड़कियों को, और किस तरह का प्रशिक्षण या शिक्षण यहाँ पर दिया जाता है? हाँ, हम बच्चों को एकेडमिक के साथ साथ उनका मानसिक, यानी स्वामी जी का आइडियल था तो मैन मेकिंग एजुकेशन, उनको वो उसके ऊपर जोर देते हैं, उनके लिए कैंप्स लेते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, उनका कैरेक्टर डेवलप करने का और उनका जीवन में सर्वांगीण उन्नति के लिए हम कोशिश करते हैं बहुत से। तो हमने अभी देखा कि रामकृष्ण शारदा मिशन द्वारा किस तरह ये जो सेक्रेटरी थे ये काम करते हैं। आइए हम और भी जो ये स्कूल के अदर कर्मचारी हैं उनसे भी जानते हैं, टीचर्स हैं उनसे जानते हैं कि किस तरह यहाँ शिक्षा दी जाती है, किस तरह की पढ़ाई यहाँ सिखाई जाती है।
आपका नाम? मेरा नाम प्रवरा जी का ध्यानानिष्ठ प्रेरणा है। मैं जो रामकृष्ण शारदा मिशन द्वारा जूनियर कॉलेज ऑफ गर्ल्स शुरू किया गया है उसकी प्रधान अध्यापिका हूँ। और हमारा मानना है कि सिर्फ शिक्षा ही बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य महत्वपूर्ण है। तो स्वामी जी जैसा चाहते थे कि मनुष्य निर्माण करने वाली शिक्षा आज के देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर चरित्र नहीं होगा तो चाहे करोड़ों रुपए हम एजुकेशन पे के लिए या फिर विकास के लिए खर्च करें, विकास कभी भी संभव नहीं होगा। अगर एक व्यक्ति चरित्रवान नहीं है, वह निस्वार्थी नहीं है, तो वह कभी भी अपने बारे में छोड़कर दूसरों के बारे में नहीं सोच सकता। तो अगर हम चाहते हैं कि देश का निर्माण हो और देश वैसे ही विकसित हो जैसे स्वामी जी चाहते थे, तो उसके लिए हमें ऐसे मनुष्यों की ज़रूरत होगी जो निस्वार्थ होंगे, जो अपने हित से ऊपर उठकर देश के हित के बारे में सोचेंगे। तो यह हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम कुछ ऐसी छात्राओं को तैयार करें जिनके मन में यह बात इतनी गहरी बैठी हो कि देश से बड़ा कुछ नहीं है और समाज से बड़ा कुछ नहीं है, हमारा जीवन समाज के लिए है, हमारा जीवन देश के लिए है। यहाँ पे कौन सी क्लास तक पढ़ाई छात्राओं को दी जाती है? हमारे दो स्कूल हैं, अभी रामकृष्ण शारदा मिशन स्कूल ऑफ होम साइंस, जो कि रामकृष्ण शारदा मिशन द्वारा 6 साल पहले से हमने ये लिया है, तो वहाँ वो एक स्कूल है, वहाँ पे 5th से लेकर 10th तक छात्राओं को सेमी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पढ़ाई दी जाती है। और दूसरा नया स्कूल हमने इसी साल से शुरू किया है जो कि CBSE पैटर्न है, जिस जो कि 1st से लेकर 12th तक है। धन्यवाद। तो जैसे कि हमने अभी इन्हीं से जाना जो कि यहाँ पे जो है 1st से लेकर नर्सरी से लेकर जो 12th तक पूरी एजुकेशन दी जाती है, और वो भी यहाँ का जो एजुकेशन है जो अपना पहले की प्रथा थी गुरुकुल प्रथा, उसी तरीके से पूरा शिक्षण यहाँ पे जो है पूरी शिक्षा जो दी जाती है, और पूरे जैसे कहा जाता है कि परिपूर्ण छात्र जब भी बनता है पूरा नॉलेज उसे दिया जाए, वो किताबी नॉलेज हो, वो पूरा अपने पर्सनल डेवलपमेंट हो, इस तरह का पूरा कराटे से लेकर किताबी ज्ञान तक यहाँ पढ़ाई दी जाती है। रामकृष्ण शारदा मिशन स्कूल ऑफ होम साइंस द्वारा अभी हमने जाना कि किस तरह का शिक्षा यहाँ दिया जाता है, किस तरह की शिक्षा यहाँ दी जाती है, और हमारे देश का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह नारा भी इस मिशन द्वारा बुलंद किया जा रहा है। कैमरा पर्सन लोकेश मोहिती के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, MNS न्यूज नागपुर। जैसे कि आपने देखा कि स्कूल प्रशासक और संचालक इस तरह के नए नए आयामों पर भी काम कर रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए MNS न्यूज लाइव। मोबाइल में खबरें देखने के लिए आप अपने मोबाइल में MNS हिंदी ऐप आज ही डाउनलोड करें। तब तक के लिए नमस्कार।